Welcome friends, in this lecture we have taken two videos related to electric dipole. It is of chapter 1. The question is, a electric dipole of charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb separated by a gap of 2 micrometer is placed in a uniform electric field of 2.5 newton per coulombs. At an angle of 60 degree, find the electric torque experienced by it. It is a question asked in 2011 and 12. It is question number 12A part of one mark question. It is a one mark question. इसके अंदर electric torque पूछिए. एक dipole है जो uniform electric field के अंदर रखा हुआ है. तो जब भी dipole किसी uniform electric field के अंदर रखा जाता है या किसी भी electric field के अंदर रखा जाता है, तो वो कुछ torque experience करता है. वो टॉर्क क्या होती है देखते हैं. तो सबसे पहले इसकी फिगर बना के समझते हैं. सपोज दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सिंस दीज आर इट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारी लाइन जो हैं इक्वली सेपरेटेड होंगी और पैरेलल भी होंगी. सपोज दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, एंड डायरेक्शन इसका मान लीजिए ये है. इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं. इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा दूर, वहाँ जा रही होंगी. ये सारी की सारी पैरेलल हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है. इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है 60 डिग्री पर. तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंगल कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से. दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इसकी इंटेंसिटी आपको दे रखी है 2.5 न्यूटन पर कूलम, ओके. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल 60 डिग्री पर रखा हुआ है तो आप एक लाइन बनाएंगे ऐसे, और इसके अंदर दो चार्जेस जो आप शो करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे शो करेंगे और पॉजिटिव चार्ज ऐसे, कि नेगेटिव पॉजिटिव की जो ये लाइन होगी, ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का बनेगा. यानी ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का होना चाहिए. ओके, यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा. नेगेटिव चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, तो -5 माइक्रोकूलम यहाँ रखेंगे, +5 माइक्रोकूलम यहाँ रखेंगे, ओके. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जा चुका है, तो अब इस वक्त जो इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये डाइपोल, वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. ये तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये भी वेक्टर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं P, इसका मैग्नीट्यूड होगा, फिर E, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, साइन थीटा. तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकलेगा ऐसे करके, ठीक है, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकलेगा. पी क्या होता है? पी डाइपोल मोमेंट होता है. तो P को कैसे निकालते हैं? डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका यह है कि किसी भी एक चार्ज की वैल्यू रखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन उसका हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ओके, और बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए. तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 × 10⁻⁶ कूलम्स, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 2 माइक्रोमीटर्स. तो × 2 × 10⁻⁶, ओके. तो ये तो P कैलकुलेट हो गया. अब E कैसे E की वैल्यू तो लिखी हुई है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2.5 × 10⁻⁶, नो कोई 10 की पावर नहीं है, × 2.5 × साइन थीटा. साइन थीटा किस साइन 60 हो जाएगा. ये हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, तो साइन 60 होता है √3/2. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ − 11 × 2.5 × 1.732/2. और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 2.165 × 10⁻⁻⁶ − 11, ठीक है, क्योंकि टॉर्क है, इसकी एसआई यूनिट होगी
न्यूटन मीटर। ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे डायरेक्शन आप चाहे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जो पहली क्वांटिटी है उसकी तरफ ये सीधा हाथ रखेंगे ऐसे, तो पहली क्वांटिटी आपकी डाइपोल मोमेंट ये है, और इस तरह से रखेंगे कि ये हाथ मुड़ के दूसरी क्वांटिटी की तरफ आ जाए, ई की तरफ आ जाए। तो अगर दो वेक्टर को इस तरह से आप मिला लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो ये होता है थंब राइट हैंड का। ठीक, तो अगर डायरेक्शन भी लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, इनवर्ड। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 6 2010 और 11 में पूछा गया, ये भी डाइपोल मोमेंट डाइपोल के ऊपर सवाल है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज हैं, 16×10^-11 कूलम एंड -19 कूलम और -16×10^-19 कूलम। ओके, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 3.9×10^-12 मीटर, ये इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा और उसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 10^5 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। कैलकुलेट, दो चीज़ें कैलकुलेट करवाई हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहला पार्ट करते हैं, इट इज अ टू मार्क क्वेश्चन, तो पहले को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, डायपोल मोमेंट पूछा है तो डायपोल मोमेंट को ऐसे लिखते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, किसी भी एक चार्ज की वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम। तो यही बेसिकली यहां पर वेक्टर होगा। चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 16×10^-19। चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ये बात याद रखिएगा, 16×10^-19। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 3.9×10^-12 मीटर। ओके, तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आ जाएगा आपका 62.4 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इनटू 10^ -31 कूलम मीटर, और डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, तो डायरेक्शन भी हमने बता दिया तो डायपोल मोमेंट पता लग गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये बड़ी डिटेल बात है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हम समझें इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर स्टेबल और अनस्टेबल को समझेंगे। इक्विलिब्रियम की बात जब भी की जाती है तो इसका मतलब डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देते हैं, सपोज दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर हमने रख दिया डायपोल को, तो चार लाइन बना के करते हैं। सपोज एक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सपोज एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमें पता रखा है, तो डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसके अंदर हम ये तय करेंगे कि नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज इधर है। हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर है तो नेगेटिव चार्ज इधर होगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये डायपोल का डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो डायपोल के इस चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करेंगे। ओके, और इस चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करेंगे। ठीक है, तो जब किसी चीज को ऐसे पुश किया जाता है, सपोज ये पेन है, इसको इधर से भी पुश करें हम तो ये इधर जाएगा, और उसी टाइम बराबर की फोर्स से इधर भी पुश करें तो ये इधर जाएगा, लेकिन ये जब दोनों फोर्सेज एक साथ होंगी तो ये किधर भी नहीं जाएगा, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पर है। अब स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है, सपोज मैं डायपोल को थोड़ा सा हिला दूं और इसको टर्न कर दूं यहां तक ले आऊं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है इधर अब भी, और इसके ऊपर नीचे वाले चार्ज के ऊपर लग रही है इधर, तो क्या होगा जब यूं हम टर्न कर देते हैं तो ये डायपोल घूम जाएगा। ठीक,
तो अगर आप डिस्टरबेंस दें और डायपोल अपनी जगह पर वापस ना आए तो इसको कहते हैं अनस्टेबल। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखते हैं। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी है आपने और अब डायपोल को आपने इस तरीके से रखा कि एक जो चार्ज रखा माइनस क्यू उधर रखा और प्लस क्यू उधर रखा। ठीक है, अब भी इसके अंदर क्या है, इधर फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से यूं जा रही हैं, तो इस चार्ज पर तो फोर्स लगेगी इधर की तरफ तो ये इधर जाना चाहिए और उसी टाइम इस चार्ज पर फोर्स लग रही है इधर की तरफ तो ये इधर जाना चाहिए, लेकिन जब दोनों फोर्सेस एक साथ लग रही हैं तो एक इधर भी नहीं जाएगा तो इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल वो देखते हैं। स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम इसको वापस टर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां तक ले आते हैं, इसके ऊपर अब भी फोर्स इधर ही लग रही है और इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, बात समझ में। तो वापस ये हम इसको डिस्टर्बेंस जो देंगे, जब डिस्टर्बेंस जैसे ही हटाएंगे ये वापस अपनी पोजिशन पर आ जाएगा। अगर ये वापस अपनी पोजिशन पर आ जा रहा है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल, ये स्टेबल कंडीशन। ठीक, हर अलग ओरिएंटेशन पर अगर आप डायपोल का ओरिएंटेशन बदल देते हैं तो हर ओरिएंटेशन पर अलग पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक, वो एक डिटेल बात है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम पर सवाल पूछा गया है, यानी कि डायपोल इस तरह से रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट पे है। ठीक, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस पीई होती है। माइनस पीई इज द पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पी क्या भाई? ये पी बेसिकली आपका डायपोल मोमेंट है और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि ये टॉर्क बन जाएगी, ये एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट होगा और डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ कॉस थीटा आना चाहिए, तो थीटा इस वाले केस में जीरो होगा तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे पी और ई का। पी हम निकाल चुके हैं, पी इज दिस वन 62.4 into 10 raised to the power minus 31 into E इसके अंदर given है into 10 raised to the power 5 newton per coulomb। जब हम इसको multiply करेंगे तो ये तो इतना ही रह जाएगा 62.4 into 10 raised to the power minus 26। okay, क्योंकि ये potential energy है तो ये इसके SI unit joule होगी, बाकी सारी चीजें SI unit में रखी हुई हैं। ठीक है, thank you very much।